तो देखिए, ये है जो हमारी लाइट फिटिंग मकान की होना प्रारंभ हो गई है। अभी आप देख सकते हैं कितनी डोरियां जो है इसमें लगाई जाती हैं। जो देखिए इस कमरे में आप देख सकते हैं। तो गाइस वेलकम बैक। हम आपको बता रहे हैं हमारे घर में जो है लाइट की फिटिंग हो रही है और किस तरह से, कौन सी डोरी और कौन सा जो है हमने मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया है। चलिए इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। और जो कौन है जो मिस्त्री जो यहाँ हमारे यहाँ जो लाइट का फिटिंग का काम कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं और वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इस तरह से कितनी डोरियाँ जो है लगाई जाती हैं और हम इस कंपनी को बताते हैं इस डोरी का। अभी देखिए ये जो आप सामने पहले मिस्त्री साहब को देख लीजिए, लगभग जो जानते होंगे हमारे टिकरी के आसपास के होंगे तो वो तो जानते होंगे कि ये हैं माँ साहब धब्बी माँ साहब, धीरेन्द्र उर्फ धब्बी माँ साहब। और अगर आप मीडियम वर्ग के लोग हैं और मकान अभी बना नहीं है तो भाई साहब लाइट फिटिंग की गलती से भी मत सोच लेना, क्योंकि यहाँ जो है हमारी खटिया खड़ी हो चुकी है। आपकी ना हो खटिया खड़ी, देखिए अगर आप अपनी खटिया खड़ी नहीं करना चाहते हैं तो भाई साहब अंडर वाली लाइट फिटिंग बिल्कुल ना करवाने की सोचें। तो अब हम बता दें मटेरियल जो हमने किस कंपनी का लगाया है। तो देखिए नीचे ये देख सकते हैं आप बॉन्टोन, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं ये है बॉन्टोन का, जो कि जो हम दिखा रहे हैं 2.5 mm वगैरह जो 2800 या 2850 के समथिंग में आया है। ये काफ़ी जो बंडल हमको लग चुके हैं अभी तक। हम बता दें जो हमारा 800 वर्ग फुट में मकान है, इसकी लाइट फिटिंग में हमको जो है 16,000 का केवल वायर लग गया है। ये जो डोरी लगी हुई है ये 16,000 की लग चुकी है। ये सारा मटेरियल सब मिला के हम बता रहे हैं और ये बॉन्टोन कंपनी का है, जो कि हैवल्स के बाद दूसरे नंबर पे बॉन्टोन आती है। इसके अलावा कोई अच्छा ब्रांड नहीं है, इसके बाद सीधा है हैवल्स और उसके आगे कोई लगभग में ब्रांड होना हमारे अंदाज से नहीं है। और हम बता दें कि जैसे कि ये देखिए आप देख सकते हैं 2.5 mm की जो वायर दिख रही है, ये जो बिल्कुल ओरिजिनल लगाया गया है और ये यहाँ पे लगा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं माशा, एमसी एमसी? अच्छा, ये कनेक्टर जो कि लाइट सभी जगह का कट करेगा। और आप हमारे पिछले वीडियो में मकान तो हमारा देख चुके होंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक सारी लगभग में लाइट फिटिंग हो गई है। सिर्फ एक कमरे की रह गई, यहाँ ये जो है नहानी इसकी रह गई है और हो गई है। तो जैसे हमने बताया आपको कि इसमें काफ़ी खर्चा है, वैसे अगर आपके बजट में नहीं है तो गलती से भी अंडर लाइट ना करवाएं। वैसे मैं नुकसान करना नहीं चाहता था जो है माँ साहब का, फिर भी बोल रहा हूँ फिर भी। बट देखिए किसी के खाते हुए में लात नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या है कि हम सोच रहे हैं जो हमारे मीडियम वर्ग के लोग हैं वो इसमें ना भी दें, क्योंकि ये जब ही अभी 15,000 की सिर्फ वायर लगी है, इसमें जो है 25,000-30,000 का भी जो और मटेरियल लगेगा, यानी कि लाइट फिटिंग कितना महंगा पड़ जाता है आप समझ सकते हैं। चलिए, तो वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लें इस चैनल पे अगर नए हैं तो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करके ही जाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।